हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई काफी दिनों बाद वापस आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं रेगुलर इरादों के साथ इरेगुलर वीडियो बनाता हूँ। आखिर चांद में जो चार चांद लगाना जरूरी है। एक मिनट, चांद में चार चांद लगाना जरूरी है? अबे ये स्क्रिप्ट किस बाबू सोना वाले ने लिखा रे? अब ये लोग आसमान से चांद और तारा तोड़ने के अलावा चांद पे चार चांद भी लगाने लगा क्या? इसकी माँ का और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। रुको गाइस, अभी आता हूँ इन लोगों को सुधार करके। ओके गाइस, ये बाबू और सोना वाले को तो सुधार दिया, अब अपनी वीडियो पर आते हैं। तो गाइस, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक और यूजफुल होने वाला है, बिल्कुल उर्फी जावेद की कपड़े की तरह। ओके गाइस, मजाक से हट करके, वाकई आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री में 4 TB तक क्लाउड स्टोरेज कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में हमारे लिए क्लाउड स्टोरेज कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। किसी के साथ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, या फिर अपने इम्पोर्टेंट फाइल्स, फोटोज, वीडियोज और डॉक्यूमेंट का बैकअप लेना हो, या फिर अगर आप क्रिएटर हो तो आपको अपनी वीडियो का होस्ट के लिए फ्री में क्लाउड सर्विस चाहिए हो, और अगर आपके पास आपका कंप्यूटर नहीं है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से अपनी इम्पोर्टेंट फाइल को एक्सेस कर सकते हो, या और भी बहुत सारी यूजेस हो सकती है एक क्लाउड स्टोरेज का। और भाई आज की इस टाइम पर तो फ्री में 100 GB का भी क्लाउड स्टोरेज ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना BTS आर्मी के अंदर दिमाग ढूंढना। भाई दोनों ही नहीं मिलता। A few moments later. FBI, open up! और भाई मैं तो आपको आज की वीडियो में 4 TB तक दिलाने की बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना बिना कोई पार्ट स्किप किए। आपको आपका महंगा जूता का कसम। अब करके दिखाओ स्किप। ओके गाइस, प्लीज कोई भी पार्ट को स्किप मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। और भाई ये चीज सभी डिवाइस में काम करेगा, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी, विंडो, मैक, लिनक्स, सभी डिवाइस में काम करेगा, बस नोकिया 3310 को छोड़ करके। तो गाइस, ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको सर्च करना है टेक्निकल वाइट हैट यूट्यूब चैनल, और जा करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस आपको 4 TB मिल जाएगा। तो भाई आपको अपनी ब्राउजर में सर्च करना है प्लेबुक। तो आप जैसे ही प्लेबुक को सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट ही में ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, बस उसको ओपन करो। उसके बाद वेबसाइट में आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसी में अगर आप नीचे ध्यान से देखो तो यहाँ रेड कलर में क्रिएट प्लेबुक फ्री बटन होगा, उसमें क्लिक करो। अब यहाँ आपको साइन अप पेज देखने को मिल रहा होगा। साइन अप करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी या फिर गूगल अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी गूगल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ साइन अप करने के लिए। जैसे ही आप साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करोगे, अब आपको सिलेक्ट अ प्लान का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ आपको दो प्लान देखने को मिल रहा होगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। पहला 100 GB वाला और दूसरा 4000 GB वाला। दोनों ही प्लान आपको फ्री में लाइफ टाइम के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। 100 GB वाला सभी लोगों के लिए है, जबकि 4000 वाला आर्टिस्ट और डिजाइनर के लिए है। और इसको लेने के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा आपके अकाउंट अप्रूव होने के लिए। अगर आपका अकाउंट सक्सेसफुली अप्रूव हो जाता है तो फ्री में आपको 4 TB क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा। तो आपको 4000 GB वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर आपको एडिट योर प्रोफाइल में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। इसमें आपको आपका नाम, टाइटल, और टाइटल में आपको एंटर करना है कि आप क्या हो। फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफर हो, डिजाइनर हो या क्रिएटर हो। टाइटल में आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन को एंटर कर देना। उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो लिंक को ऐड करना है। पोर्टफोलियो लिंक में आप अपना सोशल मीडिया का लिंक ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक। उसके बाद आपको आपके काम के रिलेटेड बायो एंटर करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एंटर कर सकते हैं
हेलो माय नेम इज टेक्निकल व्हाइट हेड एंड आई एम अ यूट्यूब क्रिएटर. माय चैनल ऑन यूट्यूब इज नेम्ड टेक्निकल व्हाइट हेड एज वेल. आई अपलोड एडुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वीडियो ऑन माय चैनल. हाउएवर आई नीड क्लाउड स्टोरेज फॉर बैकअप माय वीडियोस एंड फॉर वेरियस अदर रीजंस. सो आई होप यू विल हेल्प मी टू सॉल्व माय स्टोरेज इशू. बस सिंपल सा ये बायो है, एंटर करके सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दो. उसके बाद आपको चूज योर प्लेबुक नेम करके आएगा. अब यहाँ आप कोई भी नेम सेट कर सकते हो और अगर आप चाहो तो फ्यूचर में इस नेम को चेंज भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ डेमो. ओके गाइज, आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेमो इलेवल नहीं है, तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ डेमो 908. उसके बाद सिंपली गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक कर दो. नाउ उसके बाद आपको इनका टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके टेक मी टू माई प्लेबुक वाले बटन पर क्लिक करना है. एंड फाइनली आपके आगे इनका मेन पेज ओपन हो जाएगा, जहां से आप अपने अकाउंट्स और सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो, बैकअप क्रिएट कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो, एवरीथिंग, जहां से आप सब कुछ कर सकते हो. उसके बाद आपको टॉप राइट साइड कॉर्नर में प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है एंड अकाउंट सेटिंग को चूज कर लेना है. अब यहाँ पर आपको आपके अकाउंट के रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और यहाँ से आप अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हो. साथ ही में आपको कितना जीबी फ्री में मिला है और आपने कितना जीबी यूज किया है वो भी देख सकते हो. अब आप लोग बोलोगे कि मुझे तो सिर्फ 100 GB फ्री में मिला है, जबकि मैं बात कर रहा था 4000 GB का. तो गाइस वो इसलिए क्योंकि हमने अभी जस्ट पोर्टफोलियो को ऐड किया है और पोर्टफोलियो को वेरीफाई एंड अप्रूव होने में कम से कम एक हफ्ता का समय लगता है. अगर आपका पोर्टफोलियो सक्सेसफुली अप्रूव हो जाता है देन आपको 4 TB फ्री में मिल जाएगा. एंड अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं भी होता है फिर भी आपको फ्री में 100 GB मिल जाएगा. अब आप गो बैक बटन पर क्लिक करके वापस होम पेज पर आ जाओ. एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसमें फोल्डर क्रिएट कर सकते हो एंड उस फोल्डर में फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट या म्यूजिक को कैसे अपलोड कर सकते हो. तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ एक न्यू बोर्ड करके ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करो. तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ आप उसका नाम सेट कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ वीडियोस. तो जैसे ही आप अपने फोल्डर को क्रिएट कर लोगे तो आपको टॉप राइट साइड कॉर्नर में एक ऐड बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो. देन अपलोड का ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा और आप यहाँ से इम्पोर्ट भी कर सकते हो. इम्पोर्ट में गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन दिया गया है, या तो सिंपली टॉप पर ही आपको अपलोड का बटन देखने को मिल जाएगा. उसके ऊपर क्लिक करके जो भी फाइल आपको अपलोड करना है सिंपली उसको सिलेक्ट कर लो. उसके बाद आपका अपलोडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा. तो जैसे ही आपका अपलोडिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आपको आपका फाइल यहाँ देखने को मिल जाएगा. अब अगर आप इसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो सिंपली उसको ओपन करो. ओपन करने के बाद आपको रेड कलर में शेयर बटन देखने को मिल रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो. एंड अब आप यहां से उसको शेयर कर सकते हो ईमेल आईडी से या फिर प्लेबुक आईडी से, या तो आप कॉपी लिंक भी कर सकते हो. अब अगर आपको अपनी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो सिंपली उसके ऊपर राइट क्लिक करो और मूव टू ट्रेस कर दो. और अगर आपको उसको परमानेंटली डिलीट करना है देन ट्रेस वाले ऑप्शन पर जाओ एंड यहाँ आपको आपका फाइल देखने को मिल जाएगा. सिंपली उसको सिलेक्ट करो. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो. और भी आप यहाँ बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ मेंबर्स ऐड कर सकते हो, एक टीम बना सकते हो, आप अपनी वीडियोस या फाइल को होस्ट भी कर सकते हो, और भी बहुत सारा चीज़ आप इससे कर सकते हो जो आपको कभी भी गूगल ड्राइव या और कोई भी क्लाउड स्टोरेज वेबसाइट प्रोवाइड नहीं करता है. तो गाइस देखा आपने कैसे मैंने फ्री में 4000 GB क्लाउड स्टोरेज ढूंढना बता दिया आपको, लेकिन BTS आर्मी के अंदर कैसे दिमाग ढूंढना है वो मैं भी आपको नहीं बता सकता क्योंकि उनके अंदर होता ही नहीं है. अच्छा बात नहीं है. तो आई होप सो गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. एंड गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर देना ताकि मैं आपके फीडबैक के ऊपर काम कर सकूं. तो गाइज जल्दी मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ. जब तक लिए गाइज जय हिंद एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आपको आपका महंगा जूता का कसम.